पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। भाजपा के 93 वर्षीय अनुभवी नेता को किडनी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब आने में दिक्कत और सीने में जकड़न की शिकायत के बाद 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था। मधुमेह से ग्रस्त वाजपेयी की एक ही किडनी काम करती थी। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आज 5:05 पर आखिरी सांस ली। 2009 में उन्हें आघात आया था, जिसके बाद उन्हें लोगों को जानने पहचानने सहित कई तरह की समस्या आने लगी थी। बाद में उन्हें डिमेंशिया की दिक्कत हो गई। बुधवार को उनकी हालत नाजुक हो गई थी, जिसके बाद उन्हें जीवन संरक्षक प्रणाली पर रखा गया था। एम्स में वाजपेयी को देखने के लिए कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार एम्स में वाजपेयी का हाल जानने पहुंचे। वे आज दोपहर करीब 2 बजे एम्स गए। इस दौरान उन्होंने अटल जी के रिश्तेदारों से भी मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी आज 2 बार एम्स आए। वे गुरुवार सुबह से ही एम्स में मौजूद रहे और उसके बाद भाजपा दफ्तर लौट आए।